यह न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषान आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा पर खड़ा किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच में पधार चुके हैं। हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत खरगोन की नवग्रह की नगरी में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर जनता का यहां पर अभिवादन किया गया। अब वे कन्या पूजन के लिए अपनी परंपरा का निर्वहन बेटी देवी स्वरूपा बिटियाओं का कन्या पूजन सदैव मुख्यमंत्री ने यह संदेश दिया है कि मध्य प्रदेश में बेटियों का सुरक्षित होना आवश्यक है। बेटी है तो कल है। 2004 से ही प्रत्येक मंच पर प्रत्येक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय कन्याओं का सर्वप्रथम पूजन करते हैं। हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। रोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा। निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। देवी स्वरूपा की आजादी का सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको। गाना बताओ। गाना नहीं, इस पूजन अर्चन में आप सब भी जोरदार तालियों के साथ में सहभागी बन सकते हैं। यह मध्य प्रदेश है जहां की बेटियां देश और विदेशों में नाम रोशन कर रही हैं। मुख्यमंत्री महोदय सदैव इन बेटियों को आगे बढ़ाने में अपना संपूर्ण प्रयास लगाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय देवी स्वरूपा बिटियाओं का अभिनंदन। पहले मुख्यमंत्री महोदय का ना। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं। मैं समस्त जन समुदाय से ये विशाल हितग्राही सम्मेलन में उपस्थित हितग्राहियों से एक बार जोरदार तालियों के साथ में हृदय से अभिनंदन करने के लिए यहां पर आप लोगों से निवेदन करूंगा। मैं सर्वप्रथम निवेदन करता हूं खरगोन बड़वानी के लोकप्रिय सांसद गजेंद्र जी पटेल आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें स्वागत करें। मैं इसी कड़ी में निवेदन करता हूं प्रभारी मंत्री महोदय कमल जी पटेल आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। मैं निवेदन करता हूं माननीय सांसद महोदय से माननीय मंत्री द्वय का आप अभिनंदन करें स्वागत करें और स्वागत भाषण के लिए मैं माननीय सांसद महोदय को आमंत्रित करता हूं। आप आए और स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। माननीय सांसद महोदय के लिए एक बार जोरदार तालियां स्वागत भाषण माननीय सांसद महोदय के द्वारा। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। खरगोन की जनता की। आज के इस मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के जन जन के नेता किसान के बेटे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, मध्य प्रदेश के वन मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़वा के विधायक आदरणीय सचिन बिरला जी,
हमारे जिलाध्यक्ष भाई राजेंद्र राठौड़ जी, पूर्व विधायक आदरणीय बालकृष्ण जी, आदरणीय धूल सिंह जी, आदरणीय भूपेन जी, आदरणीय आत्माराम पटेल जी, आदरणीय बाबूलाल जी, और इस इंदौर संभाग के जगह जगह पर धार हो, खरगोन हो, बड़वानी हो, खंडवा हो, ब्रहानपुर हो, झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, इन सभी जिला मुख्यालयों पर आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। वहाँ पर उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे पूर्व प्रतिनिधिगण और वहाँ पर उपस्थित हमारी इस क्षेत्र की जनता, आप सभी को आज के इस अभिन्न पर्व पर, आज के इस आयोजन पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि मध्य प्रदेश के जननायक माननीय कलेक्टर महोदय, सर सांसद महोदय, अमृत सरोवर की मिट्टी में स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित गणेश जी यहाँ पर मानी को दिए जा रहे हैं। एक बार मैं सभी से आग्रह करता हूं कि खरगोन के इस नवग्रह मंदिर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। खरगोन जिले के हृदय में बसने वाले, मध्य प्रदेश नहीं इस देश के सबसे जनप्रिय मुख्यमंत्री हैं हमारे शिवराज जी, और आज इस नवग्रह की मंदिर में और खरगोन जिला जो मां नर्मदा के तट पर है, इस विशाल जन समुदाय को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत आप सबको संबोधित करने आए हैं। आज इस अभियान में हमारे भगवानपुरा के, हमारे खरगोन के, हमारे कसरावत के, महेश्वर के, बड़वानी और सभी इंदौर संभाग के सभी जिलों से हमारे लोग जुड़े हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और समय भी बहुत कम है इसलिए बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को रख रहा हूं, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और क्षेत्र के विकास की बात न की जाए तो यह असंभव है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ कि खरगोन शहर जो इस जिले का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनी है, यहाँ पर खरगोन में बाईपास का निर्माण किया जाना चाहिए। खरगोन से तलाक चौक से लेकर चावला बिल्डिंग से होकर एक बड़े ब्रिज का निर्माण होना चाहिए। खरगोन जिले जो खंडवा से लगा हुआ है, बड़वानी से लगा हुआ है, धार से लगा हुआ है, यहाँ पर लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की भी मांग की जा रही है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस आदिवासी क्षेत्र को और पूरे समाज के लोगों को मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए, मैं उनसे मांग करता हूं। खरगोन का जिला कोर्ट मंडलेश्वर में, इसलिए खरगोन जिला मुख्यालय पर भी खरगोन जिला कोर्ट होना चाहिए। खरगोन शहर ऐसे तो हमारे नवग्रह के मंदिर का क्षेत्र है और खरगोन बड़वानी से लगा हुआ पूरा क्षेत्र शांति का टापू भी कहलाता है, इसलिए यहां पर विशेष शस्त्र बल एसएएफ बटालियन की स्वीकृति भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूं। खरगोन शहर बहुत बड़ा है और खरगोन में दो थानों की व्यवस्था होना चाहिए, इसलिए दो थानों की भी स्वीकृति आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जाए। खरगोन जो सफेद सोना के नाम से जाना जाता है, मिर्च की बहुत बड़ी यहाँ पर मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी के रूप में जानी जाती है, प्रेम नगर सब्जी मंडी, मिर्च मंडी से मगरिया फाटा जो 8 किलोमीटर है, जहां पर 80 गांव को सरलता से मार्ग मिल पाएगा, वहां की रोड की स्वीकृति आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करना चाहिए। नागिरी वाय छटलगांव मार्ग, मगरिया फाटे से बिस्टान घट्टी फाटा मार्ग, खरगोन में रिंग रोड की बात हो गई है, गोपालपुरा जो भगवानपुरा का एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर हमारे आदिवासी भाइयों को पेशेंट को उठा के लाना पड़ता है, इसलिए पीपल झोपा के पास में गोपाल से वड़िया के बीच में पुल का निर्माण होना चाहिए, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। बिस्टान से सिरवेल मार्ग आप सबने देखा है, वो मार्ग बहुत जर्जर अवस्था में हो गया है और ये 52 किलोमीटर का रोड बिस्टान सिरवेल तेनसेमली मार्ग डबल गोला बनाने की मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। काबरी से झांगटा मार्ग 10 किलोमीटर, श्रीखंडी से सिलोटिया मार्ग, कसरावत पिपलगोन बेड़िया तक के सड़क निर्माण 40 किलोमीटर, ये स्वीकृति होना चाहिए। धूलकोट में, यहाँ पर खरगोन में कई हमारे क्रांतिवीर
के नाम से चौराहे की घोषणा की बात की जा रही है। मैं आह्वान करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि आपके माध्यम से खरगोन शहर में बिष्टान नाका टंट्या मामा भील के नाम से चौराहे और मूर्ति की स्थापना होना चाहिए। बावड़ी बस स्टैंड महाराणा प्रताप के नाम से घोषित होना चाहिए। औरंगपुरा चौराया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से घोषित होना चाहिए। राधा वल्लभ मार्केट भगवान परशुराम के नाम से घोषित होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस चौराया गुरु नानक जी के नाम से घोषित होना चाहिए। ये सभी चौराहे पर भगवान के नाम से घोषित हो। महेश्वर जो हमारा मां नर्मदा के तट पर है वहां पर निमाड़ उत्सव मनता है, परंतु कोरोना काल के बाद में वहां पर निमाड़ उत्सव नहीं मन पाया, इसलिए महेश्वर में भी निमाड़ उत्सव स्थायी तौर पर मनाना चाहिए। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। हमारा कसराबाद में कॉलेज खुल गया है, वहां पर बीएससी एमएससी एमकॉम के सभी विभाग के सब्जेक्ट राज्य सरकार पद स्वीकृत करें और उस कॉलेज की शुरुआत अच्छे तरीके से हो, सभी बच्चे वहां पर पढ़ पाएं। सिरवेल और श्रीखंडी ये दो बड़े गांव हैं और यहां पर लंबे समय से हाई स्कूल के उन्नयन की बात और मांग की जा रही है। तो सिरवेल जो भगवान शिव का स्थल है, श्रीखंडी भी हमारे देव का स्थल है, यहां पर हाई स्कूल का उन्नयन कर हाई सेकेंडरी बनाना चाहिए, सीएम राइज घोषित करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की मांग करही और बिस्टान टप्पे को तहसील का दर्जा दिया जाए, ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास में मैंने निवेदन किया है। आपकी जितनी भी आपका निवेदन पत्र था, क्योंकि खरगोन और बड़वानी में रेल मार्ग की मांग की जा रही है, मैंने पूर्व कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से कहा कि भाई यहाँ पर रेल की आवश्यकता है, सर्वे टीम यहाँ पर घूम रही है, सर्वे भी चालू हो गया है, तो यहाँ पर उनकी मदद मिल जाए, ये आप लोग चाहते कि नहीं चाहते हैं? तो ये भी जल्दी से होने वाला है, इसलिए मुख्यमंत्री जी की पूरी मदद हमको मिलेगी और इसलिए एक बार पुनः इन सभी मांगों को स्वीकृत करने के लिए आप सबसे आग्रह करता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सभी का स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय खरगोन बड़वानी। मैं स्वागत शब्दों के पश्चात, यहाँ अवसर है, जिला प्रशासन द्वारा निर्मित खरगोन जिले की ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित पुस्तिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होने जा रहा है, जिसमें खरगोन जिले की ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित ये पुस्तिका माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आप लोग जोरदार तालियां अवश्य बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सदैव मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहा है। मैं इस विमोचन के साथ ही यहां पर आमंत्रित करने जा रहा हूं खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री कमल जी पटेल, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते तन मन धन और प्राण है। प्रातः स्मरणीय भारत माता के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब से निवेदन करता हूं कि दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता का हम सब जयकारा लगाकर ये साबित करेंगे कि हम सच्चे भारत माता के पुत्र हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, आज के आनंद की। आज का दिन खरगोन जिले सहित बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर संभाग के लिए ऐतिहासिक दिन है, जहां गांव गरीब और किसानों के मसीहा, बहनों के भैया, बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट
और गरीब माता पिता के सर्वन बेटा, जो पूरे गरीब माता पिता को जिस प्रकार सर्वन ने तीर्थ यात्रा कराई थी कंधे पे बिठाकर माता पिता को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाखों माता पिता गरीबों को तीर्थ दर्शन कराने वाले सर्वन बेटा और 8.5 करोड़ जनता की आंखों के तारे हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते खरगोन जिले की ओर से आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन का आपसे निवेदन करता हूँ। जोरदार ताली बजाकर खड़े होकर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर आप अभिनंदन करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके साथ आए मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री मेरे भाई विजय शाह जी, मंत्री भाई प्रेम सिंह जी, सांसद भाई गजेंद्र पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह राठौर जी सहित पूरी टीम, पूर्व मंत्री आदरणीय बालकृष्ण पाटीदार जी, पूर्व वर्तमान विधायक बड़वा से हमारे हरपन मौला खिलाड़ी सचिन बिरला जी, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। हमारे पूर्व विधायक भाई बाबूलाल महाजन जी, भाई आत्माराम पटेल जी, भाई राजकुमार मेव जी, भाई सभी हमारे नेतागण, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सभी जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष सहित सभी नगर परिषद अध्यक्ष, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच, पंच और सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं, बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूं, युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों को अभिनंदन। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है जनता, और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जब आती है, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और बहुमत होता है, तो वो शक्ति जनप्रतिनिधि और सरकार में आती है और सरकार बनती है, और सरकार बनने के बाद में जन कल्याण के काम किए जाते हैं, उसी जनता के हित के लिए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, वहीं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और आजादी के इन 75 वर्षों में जो काम 60 साल में नहीं हुआ, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 साल में हमने करके दिखाया है। जहां 60 साल में एक शौचालय नहीं बना था, आज करोड़ों शौचालय बना दिए। जहां 60 साल में एक मकान नहीं बना था, आज 3.5 करोड़ से अधिक मकान बना दिए। अब हर घर नल से जल और करोड़ों गैस टंकी चूल्हा, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में सुशासन लाकर दिखाया है, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। आज जो कार्यक्रम है इंदौर संभाग का खरगोन में, उसमें मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हुआ, जो 31 अक्टूबर तक चला, और उसने एक आश्चर्यजनक तरीके से जनता की सेवा की, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा बनाई गई है। लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। विधायिका का काम है कानून बनाना, सरकार का काम है कानून बनाना, और क्रियान्वयन का काम है प्रशासनिक अधिकारियों का। हमारे प्रदेश में 66,000 करोड़ रुपया तनख्वाह लेते हैं चीफ सेक्रेटरी से लेकर सचिव तक। इनकी जिम्मेदारी है कि जनता के लिए बनाए गए जितनी भी योजनाएं हैं वो पात्र हितग्राही तक घर बैठे पहुंच जाए, उनको ऑफिसों के चक्कर ना लगाना पड़े, अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, बल्कि सम्मान के साथ घर बैठे उनके सब काम हो जाए। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने करके दिखाया है, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। और इसे जोरदार ताली बजाकर एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं।
चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, विधवा पेंशन हो, निराश्रित पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो, मुख्यमंत्री कल्याण निधि हो, प्रधानमंत्री आवास हो, संबल कार्ड हो, कर्मकार मंडल हो, आयुष्मान कार्ड हो, जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, उनका लाभ 100% पात्र हितग्राहियों को मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार पूरे प्रदेश में एक लागू किया। और मुझे बताते हुए खुशी है, मैं झाबुआ जिले का, छिंदवाड़ा जिले का प्रभारी मंत्री हूं, खरगोन का प्रभारी मंत्री हूं, हरदा, ये तीनों जिले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लाभ पहुंचाने वाले जिले में से, क्योंकि हमने आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान चलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम पूरा किया है। आज खरगोन जिले की जनसंख्या है 18,73,046, उसमें से 2,34,000 से अधिक आवेदन आए और 90% आवेदन हमने पूर्ण किए हैं, उनके काम किए हैं, जिससे घर बैठे लोगों के काम हुए हैं। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि यह अभियान आगे भी जारी रहे, ताकि जनता को ऑफिसों के चक्कर न लगाना पड़े, अधिकारी कर्मचारी के चक्कर न लगाना पड़े, बल्कि हमारे अधिकारी कर्मचारी घर जाकर ये सब काम करें, ताकि जनता की जो अपेक्षा है हमसे वो पूरी, और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। मैं जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का 100% पालन करके गांव-गांव कैंप लगाए, हर ग्राम पंचायत में कैंप लगाए और उनको पूरा किया। आगे भी अभियान जारी रहेगा और मैं मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी का सम्मान करना चाहता हूं कि हमारे जो आदिवासी बाहुल्य गांव है, नवासी हमारे आदिवासी ब्लॉक हैं, इनके लिए पैसा नियम बनाया है जिसके तहत उनको जल, जंगल, जमीन और अपने श्रमिक मजदूरी का अधिकार और सांस्कृतिक विरासत का अधिकार मिलेगा। उसके लिए मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री जी ने पैसा एक्ट लागू करके आदिवासियों को हक दिया है, और इसलिए जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, और मैं भी पूरे प्रदेश के आदिवासियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री महोदय खरगोन, आप सभी की अवसर है, आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि के साथ में, सम्मान और आदर के साथ में आमंत्रित करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश के प्रधान जनसेवक, त्याग और जनसेवा के परिचायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान। बोलिए भारत माता की। खरगोन की आवाज बड़ी बुलंद है, दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की। खरगोन जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, और चूंकि आज इंदौर संभाग के सभी जिले इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, इसलिए चाहे बड़वानी हो, बुरहानपुर हो, खंडवा हो, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, सभी जिले की जनता जो मुझे सुन रही है अलग अलग स्थानों से, उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, आज कार्यक्रम खरगोन में है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आज 15,00,000 से ज़्यादा मेरे गरीब भाई बहन अलग अलग योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त करेंगे और उनकी जिंदगी में नया सवेरा होगा। अलग अलग योजनाओं के अनेकों हितग्राही आज अपनी जिंदगी बदली हुई पाएंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री यहाँ आदरणीय श्री कमल पटेल जी, हमारे वन मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, पशुपालन मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी, हमारे सांसदगण
आदरणीय गजेंद्र सिंह पटेल जी, सुबेर सिंह जी है कि नहीं? नहीं है। गजेंद्र जी हमारे जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी सुभाष पटेल जी, बालकृष्ण पाटीदार जी, हमारे राय हम बाबूलाल जी, हितेंद्र जी, राजकुमार मेव जी, सचिन जी भी हमारे मंच पर विराजमान हैं, हमारे साथी भाई सचिन विधायक सचिन बिरला जी, धूल सिंह जी, आत्माराम जी, भूपेंद्र जी, महिम ठाकुर जी, रितेश जी, राजेश जी, रवि जी, सरिता जी, सुभाष जी, भागीरथ कुमरावत जी, परशुराम जी, कल्याण जी और नीचे भी बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, बहनों भाइयों और भांजे और भांजियों, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार खरगोन आया हूं। खरगोन की जनता को शीश झुका के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। खरगोन आया भले ही नहीं, लेकिन खरगोन की चिंता जरूर करता रहा। खरगोन वालों, जब यहां अप्रिय स्थिति पैदा हुई थी और शहर को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया गया था, तब भी लगातार मैं खरगोन की जनता से जुड़ा हुआ था। और आज मैं फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर दंगे, फसाद और गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर चलने नहीं दी जाएगी। हमारा प्रदेश शांति का टापू है। मैं साफ कहना चाहता हूं, यहां जो भी रहे वो शांति से रहे, गुंडागर्दी और दंगागर्दी की तो मामा छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पर। साफ संदेश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अशांति फैलाने वाले, गड़बड़ करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, शांति भंग करने वाले, आग लगाने वाले मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं नवग्रह की इस शहर में आप सबको प्रणाम करता हूं। अपना खरगोन सचमुच में बहुत अद्भुत शहर है, अद्भुत शहर। यहां नवग्रह का ऐसा मंदिर है जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। अपना सुंदर नवग्रह मंदिर, और यहां पे सिरवेल में भगवान शिवजी का मंदिर, इस जिले में एक नहीं इसकी अनेकों विशेषताएं हैं, उनका वर्णन करूंगा तो समय बहुत लगेगा। निमाड़ का गौरव है खरगोन, और इसलिए आज दूसरी बात में खरगोन के बहनों भाइयों से, वैसे पूरे इंदौर संभाग से मैं ये कहना चाहता हूं कि ना खरगोन के विकास में कोई कमी छोड़ूंगा और ना इंदौर संभाग के विकास में, निमाड़ के विकास में, मालवा के विकास में कोई कमी छोड़ूंगा। मैं इतना जरूर आज कहना चाहता हूं कि यहां पर शांति बनी रहे खरगोन में, और गड़बड़ किसी भी कीमत पर ना हो, इसलिए खरगोन में एक विशेष सशस्त्र बल की तैनाती यहां पे की जाएगी। शांति जरूरी है भाई, विकास की पहली शर्त है शांति, कानून और व्यवस्था, दो तीन चीजें जो मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक, बेटियों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अगर किसी ने मासूम बिटिया के साथ दुराचार किया, दुराचार करने की कोशिश की, तो साफ सुन लें, मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया है, ऐसे अपराधी सीधे फांसी के फंदे पर लटकाए जाएंगे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। बहनों और भाइयों, गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां, उनको अपमान करने वाले बचेंगे नहीं, और ऐसे गड़बड़ करने वालों पे बुलडोजर भी चलेगा। बोलो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए?
ऐसे अपराधी सहन नहीं किए जा सकते। आज मैं बधाई देना चाहता हूं इंदौर संभाग के 15 लाख से ज्यादा बहनों और भाइयों को, और खरगोन के जिले के लगभग 3.25 लाख हमारे वो भाई बहन जिनका नाम आज अलग अलग योजनाओं में जुड़ा है। कमल अभी बता रहे थे, मैं वो बात फिर दोहराना चाहता हूं। हमारी जनता कई बार छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होती है, दफ्तरों के चक्कर लगाती है, और कई बार चक्कर लगाने के बाद भी काम में कठिनाई होती है। इसलिए इस बार हमने तय किया ये जनता का राज है, लोकतंत्र, और इसलिए जनता क्यों चक्कर लगाए। देखो रे मेरे बहनों और भाइयों, खरगोन में और इंदौर संभाग में आज मैं आप सबसे कह रहा हूं, मुख्यमंत्री के पास सुविधाएं काय के लिए, हेलीकॉप्टर हो, गाड़ियों का काफिला हो, कमिश्नर के पास हो, कलेक्टर के पास हो, बाकी अधिकारियों के पास हो, काय के लिए, ये जनता की सेवा के लिए है। याद कर ले, रख ले सब, लोकतंत्र में जनता असली मालिक है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, और इस बात को सब समझ लें, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। अपनी जनता के लिए हम काम करते हैं, और इसलिए हमने तय किया कि जनता दफ्तर में चक्कर नहीं लगाएगी, हर पंचायत में कर्मचारी अधिकारी शिविर लगाएंगे, और भई आवेदन लेके जनता की समस्याओं का हल करेंगे और योजनाओं में नाम जोड़ेंगे। कलेक्टर यहां बताएं कितने शिविर लगाए गए, माइक ले लें, कितने शिविर लगे यहाँ? सर यहाँ 700 से ज्यादा शिविर लगे थे सर, 592 पंचायतों में 700 से ज्यादा शिविर लगे थे सर। कितने आवेदन आए? सर यहाँ कुल मिला के 2,90,000 आवेदन आए, जिसमें 2,57,000 स्वीकृत पाए गए। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सर, सबको हितलाभ वितरित किया गया सर। अभी आप आदेश करेंगे तो वो दिखाएंगे कि उनके पास कागज है सर। अच्छा, आपको अलग अलग योजनाएं जो स्वीकृत की है उसके स्वीकृति पत्र मिले हैं क्या? मिले तो उठा के बताओ साहब, मिले हैं? मैं जिला प्रशासन को बधाई देता हूं, कलेक्टर को और उनकी टीम को। आवेदन या स्वीकृति पत्र मेरे बहनों और भाइयों, खरगोन जिले ने उत्कृष्ट काम किया तो ताली बजा के उनका स्वागत करें, ये स्वीकृति पत्र हाथों में पहुंच गए। अब आप सब बहनों और भाइयों को मैं इंदौर संभाग और मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भी कहना चाहता हूं, हर भाई बहन जो गरीब है, जो योजनाओं का लाभार्थी है, पात्र है, उसके हाथ में ये स्वीकृति पत्र हो। मुझे खुशी है मेरे बहनों और भाइयों, जिन गरीबों को राशन नहीं मिलता था अब उनको राशन मिलेगा, जिनको पेंशन नहीं मिलती थी पात्र थे अब पेंशन मिलेगी। मेरी वो बहनें जिनको उज्ज्वला रसोई गैस योजना का लाभ नहीं मिला था उनको रसोई गैस मिल जाएगी। बीमा की अनेकों योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत के कार्ड यहाँ लाखों लोगों के बनाए गए, और एक जनपद के सीओ, उनका नाम क्या था? राजेंद्र शर्मा। एक जनपद के सीओ राजेंद्र शर्मा, जनपद सीओ जनपद पंचायत, उन्होंने 98% जनपद में पात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, है क्या राजेंद्र? आओ देखो, अच्छों का सम्मान करना चाहिए, तुमने बहुत अच्छा काम किया राजेंद्र, मैं बहुत बधाई देता हूं। 98% लोगों के आपने जनपद आयुष्मान भारत के कार्ड बना दिए, और ये आयुष्मान भारत योजना में क्या होगा, भगवान ना करे अगर गरीब बीमार भी हो जाए और कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा, ये आयुष्मान कार्ड। ये आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है। ऐसे जिनके जाति पत्र प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे उनके जाति प्रमाण पत्र बने, नक्शे का शुद्धिकरण, एक शब्द इधर से उधर अगर हो गया तो घूम रहा है बेचारा, कई दिनों तक भटक रहा है। नक्शे का शुद्धिकरण करने का काम भी किया गया है,
नहीं तो घूम घूम का परेशान हो जाते थे, शुद्धिकरण नहीं होता था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जिनके नाम छूट गए थे वो नाम भी जोड़ लिए गए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रधानमंत्री जी 6000 रुपया साल में देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के। तो मेरे दिल ने कहा शिवराज चौथी बार बना है तो 4000 तू भी दे, तो 4000 मैं भी देता हूं। ये 10000 रुपया मिलते हैं, उसमें जो नाम छूट गए थे वो नाम भी बढ़ाए गए हैं। अलग अलग तरह के किसान क्रेडिट कार्ड, मछुआ क्रेडिट कार्ड, लाडली लक्ष्मी योजना, मैं सारी योजनाओं के नाम नहीं पढ़ रहा, 38 योजनाओं का लाभ। केवल यही नहीं, आज पूरे इंदौर संभाग के हर पंचायत में गरीब को पंचायत में बांट के दिए जा रहे हैं। अब सरकार भोपाल से नहीं चलेगी, गांव के चौपाल से चलेगी, जनता दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएगी, कर्मचारी अधिकारी जनता के पास जाएंगे। क्योंकि अगर अकेले अकेले जाते हैं तो कई बार बड़ी परेशानी होती है। और कुछ तो ऐसे भी दुष्ट होते हैं जो भेंट पूजा भी मांगते हैं, जनता को परेशानी होती है। अब ये जो स्वीकृति पत्र बने हैं इसमें कोई का पैसा तो नहीं लगा भैया? अरे जोर से बताओ, पैसा मैसा तो नहीं लगा? कोई ने लिया तो नहीं? और लेने वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी मुझे पता चला है कि कोई जिला शिक्षा अधिकारी है, सही बात है कि नहीं बताओ सब? अरे सही है क्या? तो मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं उनको, उनकी कई शिकायतें मुझे प्राप्त हुई है। देखो जनता की सेवा करने वाले कर्मचारी अधिकारी उनका हम सम्मान करेंगे, वो हमारे ही समाज के अंग है, हमारे भाई बहन हैं। लेकिन अगर कोई अधिकारों का जिला अधिकारों का दुरुपयोग करता है, पैसा भेजा इसलिए कि स्कूलों में ठीक काम में लग जाए, लेकिन पता चला पैसा स्कूल में लगा ही नहीं, खुद नहीं लगा लिया। अब बताओ ऐसे लोगों को मैं सस्पेंड करता हूं तो अच्छा करता हूं कि नहीं? मुझे पूरी जनता से पूछने, अब बताओ अच्छा करता हूं कि नहीं? और एक और मुझे पता चला है, भीखन गांव में नगर पंचायत में दो को मिलकर पैसा अध्यक्ष और सीएमओ को निकालने थे, अकेले सीएमओ ने ही निकाल दिए। और इसलिए मैं उनको भी सस्पेंड करता हूं भाई, देखो गड़बड़ नहीं चलेगी। और इनकी जांच भी करेंगे, हमारे एक कर्तव्यनिष्ठ हमारे अधिकारी थे, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी जतपर पंचायत बढ़वा के राजेंद्र नेगी जी एडीओ, मुझे बताया वो दिनों रात काम करते थे, उनका दुखद निधन हुआ है हार्ट अटैक से। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को अनकन का मृत्यु में देर ना हो। कम इस तरह खड़े फटाफट प्रक्रिया पूरी करो ताकि परिवार की मदद की जा सके। हम ऐसे मित्रों के साथ खड़े हैं ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। और मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में रमेश जो तहसीलदार है कसराबंद, उनने भी 11,926 नक्शों का शुद्धिकरण किया है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए तालियां बजाइए, ये अपने साथी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मैं कलेक्टर को निर्देशित कर रहा हूं, एसपी को भी, कमिश्नर ध्यान रखें, देखो दो श्रेणी बनाओ भाई, एक अच्छा काम करने वाले उनको पुरस्कृत करें, और दूसरे गड़बड़ करने वाले। एक बात साफ है, जनता का धन मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, किसी को नहीं खाने दूंगा। और इसलिए कम स्तर भी नजर रखें, कलेक्टर भी ढंग से नजर रखें, ताकि कहीं भी योजनाओं का पैसा खाया ना जाए। आज मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत जो लाभान्वित हुए उन सबको बधाई। अब कम स्तर कलेक्टर ये ध्यान रखेंगे कि अगले महीने से उनको लाभ मिलना शुरू हो जाए। और एक बात और सुनो रे बहनों और भाइयों, अब कोई समस्या के लिए दफ्तरों में नहीं जाने दूंगा। 6 अप्रैल
भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से फिर गांव गांव अधिकारी कर्मचारी जाएंगे, शिविर लगाएंगे और कोई रह गया हो तो फिर बना देंगे, स्वीकृति पत्र बना के दे देंगे, काय को कोई छूटे। और आपकी भी ड्यूटी है जो नेतृत्व बैठा है कि हम ऐसे अभियानों में खुद भागीदार बने, जाएं, जनता को निकालें, लोगों की मदद करें। देखो जनता की सेवा तो भगवान की पूजा है, इसलिए बीजेपी के नेतृत्व से चाहे वो ऊपर बैठा हो चाहे नीचे बैठा हो, मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं, लग जाओ मेरे भाइयों जनता की सेवा में, मेरी बहनों जनता की सेवा में, इसी से अपनी राजनीति की सार्थकता है। आज खरगोन कई दिनों के बाद आया हूं तो खरगोन में कई तरह की मांग की है। अब एक मांग तो यह आई है, मैं स्वयं मानता हूं कि होना चाहिए, बिस्तान आपने अलग अलग स्थान तय किए, बिस्तान नाका, बावड़ी बस स्टैंड, औरंगपुरा चौराहा, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर राधा वल्लभ का चौराहा है क्या है, अलग अलग नाम, तो ये नाम रख दिए जाए, सबकी सहमति है तो बोलो भारत माता की। विस्तान नाका का नाम होगा टंट्या मामा भील के नाम पर, बावड़ी बस स्टैंड का होगा महाराणा प्रताप के नाम पर, महाराणा प्रताप जी, औरंगपुरा चौराहा का नाम होगा लोहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर, और राधा वल्लभ चौराहा का भगवान परशुराम की, उनके नाम पर, और पोस्ट ऑफिस का गुरु नानक जी के नाम पर, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु नानक देव अद्भुत संत सचमुच में। और एक बात और, हम ये भी तय कर रहे हैं आज कि खरगोन में जो अपना नवग्रह मंदिर है उसके नाम से पूरा खरगोन पहचाना जाता है, शहर पहचाना जाता है कि नहीं, अरे पहचाना जाता है कि नहीं, तो मैं कमिश्नर को ये निर्देश दे रहा हूं कि यहां की टीम के साथ मिलके खरगोन के नवग्रह मंदिर के जीर्णोद्धार और वहां नया कॉरिडोर की रचना के लिए पूरी रूपरेखा यहां की जनता के साथ मिलके बनाए। बोलो भाई होना चाहिए कि नहीं, ये करें हम, जरूरी है, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं वो आगे बढ़ें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं, और इसलिए ये काम निश्चित तौर पर किया जाएगा, ये हमने फैसला किया है। हमने एक फैसला और किया है कि सिरवेल में भगवान महादेव जी का मंदिर, अद्भुत मंदिर है कि नहीं बताओ, अरे सिरवेल वाले आए क्या, तो उस मंदिर का भी, भगवान महादेव के मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, और सिरवेल में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया जाएगा। कई दिनों से वहां ये डिमांड आ रही थी, लेकिन एक फैसला और आज हम खरगोन में कर रहे हैं, हमने ये तय किया है कि शहर में कोई तनाव ना रहे। वैसे तो SPIG सब है, देखो भाई अपने मुख्यमंत्री रहते, कहीं गुंडागर्दी फुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। जब हम पहली बार बने तो चंबल के बिहड़ में बहुत डाकू थे, हमने साफ कह दिया कि या तो शिवराज रहेगा या डाकू रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और सारे डाकू साफ हो गए। मैं अब भी कह रहा हूं, कोई गुंडा ने गर्दी नहीं, कोई दादागिरी नहीं, ये किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा, उसका पुख्ता इंतजाम करो, और हमारे धार्मिक जुलूस, हमारे बच्चे एक स्थान से आते जाते हैं चावला बिल्डिंग से विस्टान रोड, यहां एक सुंदर फ्लाई ओवर ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। देखो बहनोर भाई, आज एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे दिमाग में यह बड़ी गहराई से आ रही है, बड़ी संख्या में मेरे आदिवासी भाई बहन भी यहां पे इकट्ठा हैं, उनकी जिंदगी बदलने का भी फैसला किया है हमने पेशा एक्ट लागू करके। एक बात मैं बता दूं पेशा के बारे में, ये पेशा किसी के खिलाफ नहीं है, ना सामान्य वर्ग के खिलाफ है, ना पिछड़े वर्ग के खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं है, हाँ ये आदिवासियों के कल्याण के लिए जरूर है,
और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने पेशा लागू किया है। और पेशा क्या है, क्योंकि आदिवासी भाई बहन भी बड़ी संख्या में आए हैं, इसलिए मैं उनको समझाना चाहता हूं इस निर्देश के साथ कि ग्राम सभाएं हो जाएं, ग्राम सभाओं का गठन हो जाए, शांति और विवाद निवारण समिति बन जाए और ये अधिकार नीचे पहुंच जाए। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन, ये जंगल, ये जल, ये सबका है। बताओ भगवान ने धरती सबके लिए बनाई कि नहीं? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोल के बताओ, सबके लिए बनाई कि नहीं? और इसलिए इस धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू करने के लिए हम ये अधिकार आदिवासी भाई बहन को पेशा क्षेत्र में, नभासी ब्लॉक, और ये शहरों में लागू नहीं होंगे, गांव में लागू होंगे, उनमें दे रहे हैं जमीन का अधिकार। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सब सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अरे बोल के बताओ, सब सुन रहे हैं? तो देखो, चाहे वो पटवारी हो और चाहे वो बीट गार्ड हो, डीएफओ है क्या यहां, बीट गार्ड हो, साल में एक बार जमीन का नक्शा, खसरे की नकल, B1 की नकल पंचायत में रखनी पड़ेगी और सबको दिखानी पड़ेगी। ये इसलिए कि धन्ना की जमीन पन्ना के नाम हो गई, पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो बहुत देर हो गई, और इसलिए अनिवार्य कर दिया है कि ये सारे नकल और कौन के नाम कौन की जमीन है, ये हर साल रखी जाएगी पंचायत में, ग्राम सभा में। बोलो, रखा जाना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, कई लोग गलत इरादे वाले, अरे कई तो ऐसे जो केवल जमीन खरीदने के लिए आदिवासी बेटी से शादी कर लेते हैं, और वो शादी पहली नहीं होती, तीसरी शादी, चौथी शादी, पांचवीं शादी। बताओ ये होना चाहिए क्या? जोर से बताओ, होना चाहिए क्या? ये नहीं होना चाहिए, और ना ये होने दिया जाएगा। जमीन हड़प लो, जमीन हड़पने के लिए शादी कर लो, ये नहीं होगा। और ऐसा अगर हुआ, देखो भैया साफ बात कह रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश की धरती पर, ये लव अब नहीं है, ये लव के नाम पे जिहाद है, ये नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर नहीं होने। धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा, और ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि किसी ने गलत तरीके से अगर ऐसे जमीन अपने नाम, सरपंची का चुनाव लड़वा देते हैं शादी करके, और सरपंची के अधिकार का उपयोग करते हैं, ये मैं कैसे होने दूंगा मध्य प्रदेश में, ये नहीं होगा। और इसलिए अगर किसी ने किया तो ग्राम सभा उस जमीन को वापस ले सकेगी, ऐसे व्यक्ति को बेदखल कर सकेगी। बताओ होना चाहिए कि नहीं? अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी एक बात और, कि अब जो अधिसूचित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में अधिसूचित मतलब पेशा के, अगर रेत की खदान है, पत्थर है, गिट्टी है, तो भैया सब सरकार अपने हाथ में क्यों रखना चाहती है? अपनी मुट्ठी में क्यों रखना चाहती है? अरे जिस गांव में है रेत की खदान, निकालने दो रेत उनको, ग्राम सभा तय करो, निकाले वहां रेत, क्या दिक्कत है? बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे मामा की बात का जोर से जवाब दो, होना चाहिए? तो पेशा ही अधिकार दे रहा है, गौण खनिज मतलब रेत, गिट्टी, पत्थर, अब कलेक्टर को यह अधिकार नहीं होगा
कि वो अपने मन से ही नीलाम कर दे। अगर गांव ये तय करता है, पैसा गांव, कि हमारी खदान ग्राम सभा ही तय करेगी चलाएगी, तो ग्राम सभा ही चलाएगी और पैसा ग्राम सभा में जाएगा, गांव का पैसा गांव में। क्रेशर पता चला, पता नहीं कौन कौन कहां कहां से आ गए। अरे भैया नथू धन्ना पन्ना कल्ला को भी क्रेशर चला लें दो रे, उनके गांव में गिट्टी खोदने दो उनको, वो व्यवस्था करेंगे। ये अधिकारों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और इसलिए पैसा ये अधिकार देता है कि ग्राम सभा अगर ये फैसला करेगी कि हमारी खदान सरकार नीलाम नहीं करेगी, हम खुद चलाएंगे, तो हम खुद चलाएंगे। मेरी बात सुन रहे हो? पीछे तक हाथ उठा के बताओ, सुन रहे हो? तो यह अधिकार समझ रहे हो कि नहीं? यह अधिकार नीचे लागू करना है, इसलिए समझना भी जरूरी है। कलेक्टर बताएं कितनी ग्राम सभाएं अब तक बन चुकी हैं? सर यहाँ सारी 713 ग्राम सभाएं बन चुकी है सर। कुल कितनी है? यहाँ 7 ब्लॉक में सर 713। तो सब बन गई? सब बन गई। ग्राम सभा में अध्यक्ष बन गए? अध्यक्ष चुनाव हो गया। अच्छा, तेंदू का पत्ता कितने ग्राम सभा में होता है कुछ? सर अभी 6 लोगों ने, 6 ग्राम सभाओं ने सहमति दी है सर। हाँ। कि वो तेंदू पत्ता का काम करेंगे। अच्छा, तो देखो ये अधिकार है, मैं आपको ये अधिकार, ठीक है, ठीक काम हो रहा है यहाँ, खुशी की बात है, मैं प्रशासन को बधाई देता हूँ। अब भैया ये बताओ, अपने गांव की खदान पैसा गांव वाले चलाएंगे क्या? खुद चलाएंगे तो हाथ उठाओ, चलाओ रे भैया, चलाओ, मामा का राज है, ले जाओ, काहे की चिंता फिरता करना है। भोपाल छोड़ो, गांव की चौपाल में फैसला होने दो। इसके साथ जल का अधिकार, जल के अधिकार में 100 एकड़ तक की सिंचाई वाले तालाब की पूरी व्यवस्था भी ग्राम सभा देखेगी। और इसके साथ अधिकार दिए हैं जंगल के अधिकार। जंगल में दो तरह की फसल होती है, एक लघु वनोपज और दूसरी, और लघु वनोपज के भी दो हिस्से हैं, एक होता है हर्रा बहेड़ा महुआ, महुए का फूल, करंज का बीज, गोंद, लाख। अब तक ये सब वन विभाग वनोपज संघ के माध्यम से खरीदने का काम करता था। अब पैसा में यह अधिकार दिया है कि आपके गांव की जो सीमा है उसके अंदर फॉरेस्ट में भी अगर ये चीजें होती है तो वनोपज संघ नहीं बेचेगा, आप ही इकट्ठा करेंगे और गांव वाले ही बेचेंगे और रेट भी गांव वाले तय करेंगे। ये नहीं है कि अचार की चिरौंजी हुई तो हमने तो 4 रुपया किलो बेच दी और बाद में बीच में जिसने खरीदी वो 100 रुपया बेचे। आपके पसीने की कीमत आपको मिलना चाहिए, तो ये आपको ही इकट्ठा करना है और आपको ही बेचना है पैसा ग्राम सभाओं में। बोलो तैयार हो? जोर से बताओ, तैयार हो? और इसके साथ तेंदू पत्ता इस इलाके में थोड़ा कम होता है, कई इलाकों में बहुत ज्यादा होता है। अभी तक तेंदू पत्ता तोड़ने का काम भी था, तेंदू पत्ता तोड़ने का काम वनोपज संघ का था। अब वनोपज संघ तेंदू पत्ता नहीं तोड़ेगा, ग्राम सभा अगर यह प्रस्ताव पारित करती है कि हमारे गांव का तेंदू पत्ता, हमारे गांव का जो क्षेत्र है उसका तेंदू पत्ता हम तोड़ेंगे, तो वो खुद तोड़ेंगे, सिखाएंगे। वन मंत्री जी बैठे हैं यहाँ, अब अपन को नहीं तोड़ना है विजय शाह जी। अरे तोड़ने तो गांव के आदिवासी को ही, गांव में रहने वालों को ही, भैया तुम्हें ही तोड़ो और तुम्हें ही बेचो। बोलो तैयार हो? अरे पीछे तक बताओ, तैयार हो? तो बोलो हर हर नर्मदे। ये अधिकार है अपना। और DFO साहब आपकी ड्यूटी है, इस चक्कर में मत लग जाना कि ये फेल हो जाए तो अगले साल फिर अपन को ही मिल जाए, अपन को सफल करवाना है ताकि ये ढंग से बेच पाए। पूरा ट्रेनिंग देनी है, पूरा प्रशिक्षण देना है ताकि ये ढंग से बेच पाए। 2-3-4 साल में सब सीख जाएंगे तो फिर ढंग से बिकेगी। और एक पैसा कोऑर्डिनेटर बनाऊंगा, नौजवान बेटे बेटियों पैसा कोऑर्डिनेटर
और सीएम जनमित्र योजना, ये योजना इसलिए कि बच्चे योजनाओं की देखा रेखी करें और वो सरकार को इन योजनाओं को लागू करने में सहयोग करें। तो पेशा के लिए भी कोऑर्डिनेटर नौजवान बनेंगे। नौजवान कितने हैं जरा हाथ उठाओ, बहुत से हैं। तो पेशा कोऑर्डिनेटर भी इसके लिए बनाएंगे। अब इसके साथ ये अधिकार भी दिया है, ये अधिकार भी दिया है कि गांव में मनरेगा की जो मजदूरी होगी उसमें मनरेगा से कौन से काम होंगे ये अब अफसर तय नहीं करेंगे, ये ग्राम सभा तय करेगी। सड़क बनना है कि पुलिया बनना है कि मिट्टी डालना है ये तय करेगी ग्राम सभा। बोलो तैयार हो? ये ग्राम सभा तय करेगी। और एक बात और, मनरेगा में कितने मजदूरों ने काम किया, मस्टर रोल, कई बार काम किया 50 ने, नाम लिखे हैं 100 के और मजदूरी 100 की निकल गई। बोलो हो जाता है कि नहीं? कई बार अब यह नहीं होगा, ग्राम सभा में पूरी मनरेगा के मजदूरों की सूची रखी जाएगी कि पढ़ लो भैया कौन कौन है, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जो भी होगा सब सामने आ जाएगा, तो पैसा कोई नहीं खा पाएगा। यह अधिकार भी ग्राम सभा का, बोलो होना चाहिए, ऐसे नहीं जोर से बोलो ना, होना चाहिए। तो यह अधिकार भी अब आपका है। और एक बात और, अगर कोई भी गांव से काम करने मजदूरी करने बाहर जाएगा तो जो भी ले जाएगा उसको ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान को हम फलानी जगह ले जा रहे हैं, नहीं कई बार पता ही नहीं चलता और बाद में कठिनाई में फंस जाते हैं, कई बार तो बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। अब बिना बताए कोई ले गया तो मामा सीधे हथकड़ी लगवा देगा, बता के ही ले जाना पड़ेगा। बोलो होना चाहिए। और बाहर से भी अगर कोई आएगा तो उसको भी बताना पड़ेगा मैं क्यों आया हूं, मैं कहां से आया हूं, काय के लिए आया हूं, कोई गलत तरीके से नहीं घुस सकता हमारे गांव में। यह भी पेशा में प्रावधान किया है ताकि मजदूरों को हम सुरक्षित रख सकें। और एक बात, कोई भी नई शराब की दुकान खुलेगी कि नहीं खुलेगी ये सरकार तय नहीं करेगी, ये तय ग्राम सभा करेगी। बोलो होना चाहिए। और अगर ये भी तय कर दे ग्राम सभा कि फलानी जगह कोई नहीं पिएगा, सार्वजनिक जगह, तो वहां पीना अपराध घोषित कर दिया जाएगा, वो ग्राम सभा का अधिकार होगा। और यह भी तय कर सकेगी कि फलाने दिन नहीं पीना है तो ड्राई डे, मतलब उस दिन दारू की दुकान नहीं खुलेगी। ऐसे एक नहीं अनेकों अधिकार पेशा में दिए गए। एक पेशा की एक बात और बता के, यहां एसपी और बाकी लोग बैठे हैं, देखो गांव में छोटे मोटे झगड़े, गांव के छोटे मोटे झगड़े, बताओ पुलिस में जाना चाहिए क्या? अरे बोल के बताओ, जाना चाहिए क्या? तो गांव में शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी, छोटे मोटे झगड़े पुलिस में नहीं जाएंगे, वो ही निपटाएंगे। एसपी साहब हर काम में काय को पड़े अपन, क्योंकि रिपोर्ट लिखा गई एफआईआर तो बाद में डंडा लेके साहब आ गए, इधर आ तू भी आ और तू भी आ, और जनता परेशान होती घूमे। अब ये नहीं होगा। हाँ बड़े मामले हैं, कोई 302 307 वो पुलिस निपटाएगी और एफआईआर की सूचना भी गांव में दी जाएगी। ऐसे अनेकों अधिकार ये पेशा के अंतर्गत आपको दिए गए हैं। मेरी अपील है इन सब अधिकारों का उपयोग करो मेरे बहनों और भाइयों, ये ग्राम स्वराज है, ये जनता का राज है। और आज ये पेशा क्षेत्रों में मैं दे रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में लगातार ये बात चल रही है कि हर गांव वालों को ये अधिकार अपने अपने गांव में मिल जाए, पेशा के बाहर भी। इस पे भी मैं विचार कर रहा हूं, बदलो जी सब चीजें, सब मेरी मुट्ठी में क्यों रहे? जनता को दो अधिकार और करने दो काम, बदलने दो मध्य प्रदेश। मेरे बहनों और भाइयों, आम जनता सुखी हो, अधिकारों का उपयोग करे। इसलिए यहां एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें करने का प्रयास किया है। मैं आप सबसे
यही निवेदन कर रहा हूं कि इन कामों में आपका सहयोग चाहिए। यहां मुझे खरगोन में एक अतिरिक्त थाने की स्थापना की मांग की है, तो खरगोन में एक थाना और खोल दिया जाएगा ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति को हम बेहतर बना सकें। निमाड़ उत्सव हर साल की तरह इस साल भी महेश्वर में धूमधाम से मनाया जाएगा, उसके व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए जाएंगे। बलवाड़ी मगरिया खंडवा रोड से सब्जी मंडी पहुंच मार्ग उसका भी निर्माण किया जाएगा, और उसके साथ साथ बहनों और भाइयों एक जस्टिफाइड मामला है जो मुझे लगता है कि न्याय होगा अगर वो हम करेंगे। हम खरगोन में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, केवल खरगोन नहीं, बाकी जिलों को भी मैं कह रहा हूं कि विकास की एक नई गंगा हम बहाने का प्रयास कर रहे हैं। सुशासन देने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन ये काम अकेला मैं नहीं कर सकता, इस काम में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। मैं राज चलाने का पूरा तरीका बदल रहा हूं बहनों और भाइयों, जनता का राज जनता के साथ चलेगा और उसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? ये जितनी चीजें हम कर रहे हैं, गांव गांव में ये समितियां बने, अपने अधिकारों का आप उपयोग करें। अधिकारी कर्मचारी मित्रों, मैं और आप, हम सेवक हैं अपनी जनता के, आइए एक नई कार्य संस्कृति विकसित करें और मेहनत और ईमानदारी से जनता की बेहतर सेवा करते हुए अपने प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाएं और अपने निमाड़ को, अपने खरगोन को और अपने मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान और दुनिया के सबसे अच्छे राज्य के रूप में स्थापित कर दें। इसके लिए आपसे सहयोग चाहता हूं। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? तो आइए हम संकल्प लेंगे कि हम सब मिलके सरकार के साथ काम करेंगे, मामा के साथ काम करेंगे। नई नई क्रांतियां हो रही है। देखो, एक और षड्यंत्र किया अंग्रेजों ने, उसके बाद कांग्रेस ने भी, जितनी बड़ी पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अलग अलग जितनी पढ़ाई थी, काय में होगी? अंग्रेजी में होगी। अब बताओ, अंग्रेजी में अगर पढ़ाई होगी तो गरीब के बेटा बेटी पढ़ पाएंगे क्या? अरे जोर से बताओ, पढ़ पाएंगे क्या? किसान के बेटा पढ़ पाएंगे क्या? अंग्रेज चले गए, कांग्रेस ने फिर अंग्रेजी लाद दी ताकि कुछ बड़े लोगों के बेटा बेटी बड़े पदों पर पहुंचे और गरीब रह जाए। यह अन्याय था। अंग्रेजी हमारी मुंडी पे बैठा दी गई और अंग्रेजी का चार्म ऐसा बना कि जिनको नहीं आए वो भी अंग्रेजी बोलने लगे। हेलो, हाउ डू यू डू, चाहे उसके अलावा आती हो चाहे नहीं आती हो। एक मेडिकल का बच्चा इसलिए पढ़ाई छोड़ भगा, फर्स्ट ईयर में एडमिशन के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा, क्यों छोड़ दी? बोले, मामा पढ़ा तो मैं हिंदी में था, अंग्रेजी में फंस गया तो समझ में ही नहीं आता, तो मैं तो भगे आया, मुझे चिढ़ाते थे लोग, अंग्रेजी के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सुनो मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? अरे गरीब के, किसान के बेटा बेटी को भी बड़े पदों पर पहुंचने दो। और सुनो मेरे बच्चों, अभी 85,000 सरकारी नौकरियों पर भर्ती हम निकाल चुके हैं। 15 अगस्त तक 1,00,000 से ज्यादा नौकरियां निकाल दूंगा ताकि मेरे नौजवान बेटों को और बेटियों को शासकीय सेवा में भी अवसर मिले। और शासकीय सेवा के अलावा स्वरोजगार की योजना में, अनेकों योजना में रोजगार हम देंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यहाँ कलेक्टर बताए रोजगार मेला लगता है, अभी लगने वाला है। तो हम हर महीना 2,50,000 रोजगार स्वरोजगार के माध्यम से देंगे ताकि बच्चों को रोजगार मिले। मेरी निबाड़ की बहनें स्व सहायता समूह वाली, आजीविका मिशन वाली, इतने अच्छे सामान बना रही है। स्व सहायता समूह कितने हैं अपने? अभी 9,000
9000 इनको और मजबूत करो जी सर। मेरी बहनों, मैं चाहता हूं कि हर बहन कम से कम 10000 रुपया महीना घर का कामकाज करते हुए कमाए और वो हम करके रहेंगे आजीविका मिशन के माध्यम से। मेरे किसान भाइयों, सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछड़ाए, बिंजलवाड़ा योजना यहाँ है क्या? इरिगेशन वाले आ जाए जरा फटाफट, समझ तो लूं क्या चल रहा है। बिंजलवाड़ा बिस्टान वालों आओ जरा जल्दी, कौन कौन देख रहा है? आजा आजा बिंजलवाड़ी, हाँ बिंजलवाड़ी योजना, ई सा जल्दी आओ है? दोनों ही आ जाइए। अकेले खरगोन जिले में 5000 करोड़ की सिंचाई की योजनाओं पे काम चल रहा है, जो कभी कोई ने सोचा नहीं था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बिंजलवाड़ा कौन देख रहा है, कैसा काम चल रहा है और कब तक कंप्लीट होगा बताओ मुझे? ये जून 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। जून 2023 बोल रहे हो जी, नोट कर लेना जी। काम में अगर धीमी गति हो तो तेज कर दो जी, फटाफट काम करो जी, लेकिन ऐसा नहीं कि घटिया पाइप लगा दो। नहीं नहीं, अच्छा काम, वो भी बढ़िया होना चाहिए जी जी, और इसलिए बढ़िया करके पूरा करो ताकि अगली जी रबी की फसल में पानी दे पाए जी जी। बिस्टान के क्या हाल है? बिस्टान के क्या हाल है? बिस्टान में सर 10000 हेक्टेयर में चालू कर दिए हैं, आगे भी चल रहा है सर। नहीं, कब तक पूरा करोगे ये बताओ? 99% काम हो गया सर। नहीं 99% नहीं, 100 कब होगा ये बताओ? दिसंबर में अभी हो जाएगा सर, ये इस साल मुझे चाहिए दिसंबर में सर। आप क्या हो? इनके एसी वैसी कहा है, यहाँ है कि नहीं? सीओ तो क्या देर क्यों हो रही इसमें भाई, ये नहीं चलेगा बिल्कुल। 10000 मैं कौन सी तारीख को आऊं उद्घाटन करने, ये बताओ पक्का? कमिश्नर आ जाए इधर सर, ये जनवरी का कमिट कर रहे हैं भाई, खरी पक्की कर लो और जनवरी में नहीं हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर, ठीक है? जनवरी की तारीख तय कर लेना, मैं तारीख में अंत में भी कर दो तो भी चलेगा, जरा जनता के सामने बता दो कब तक करोगे आप। और बलकवाड़ा वाले हैं क्या? बिस्टान परियोजना को हम दिसंबर तक 20000 पूरा कर लेंगे, और फर्स्ट वीक में 2000 बचता है वो पूरा कर लेंगे जनवरी में, और जनवरी में उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करवाएंगे। ठीक है, तेजी से जहाँ भी काम में कमी है वो करो। और तीसरी कौन सी बनी? बलकवाड़ा के क्या हाल है? बलकवाड़ा वाले हैं क्या भाई? आओ जरा, सिंचाई में बड़ी देर हो रही रे, दौड़ के आओ भाई। क्या आप ई हो? क्या ई हो? बलकवाड़ा के काम के बारे में बताओ आप। सर बलकवाड़ा में हम दो स्टेज में हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज में 2200 हेक्टेयर में हम जनवरी फर्स्ट वीक में पानी फ्लैशिंग करेंगे सर। अब फ्लैशिंग जनता थोड़ी समझती, हाँ, दोगे कि नहीं? हाँ, दोगे पानी, बताओ। पानी देंगे सर। हाँ, हाँ। हाँ? भैया अपन तो गांव वाले हैं रे, तो पानी देंगे जनवरी। हाँ, कौन सी जनवरी को आऊं मैं बताओ? ये सर हम जनवरी लास्ट में 2200 हेक्टेयर में और जून लास्ट। आप देखो बिल्कुल अपन प्रेम से दे, कोई आपको ये नहीं कर रहा कि अपमानित कर रहे हैं, लेकिन अपन तय करें यस कि जनवरी में कि कब, शांति से बताओ बिल्कुल यस, क्योंकि मैं चाहता हूं काम उस हिसाब से तेजी से करना। जनवरी 2023 में हम सर उसको दो हिस्से में है, तो एक हिस्से में हम जनवरी 2023 में और एक हिस्से में जून 2023 में पानी देंगे। तो दो हिस्सों में दोगे, एक में जनवरी 2023 में? यस सर। मैं जनवरी 2023 की तारीख तय कर, सी तो आप ही हो ना, इनके भी हो ना, तो मैं आऊंगा। अब आप यहाँ बैठ कर काम करवाओ पूरी। ये ओंकारेश्वर प्रथम चरण का कौन देख रहे हैं? चल ये अभी मैं आपको कह रहा हूं, ई आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई। ओंकारेश्वर ई पचौरे जी जल्दी आओ, हैं तो आ जाओ। ये पानी जिंदगी है, दौड़ के आओ, किसान की जिंदगी पानी है, दौड़ के आओ, अपनी बात बताओ कब तक पूरा। ये वो देख लेंगे टेल वाला कहीं किसान दे। जी नमस्कार सर, कब तक पूरा होगा ये टेल तक पानी? सर ओंकारेश्वर परियोजना में मेरे पास में द्वितीय चरण का काम है जो कि कंप्लीट हो चुका है सर। 2 किलोमीटर की पट्टी के लिए जो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम हो रही है, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम तो उसको सर, तो मेरे साथ मीटिंग करो। जी सर, मीटिंग करके फिर उस मसले को सुलझाएंगे। जी सर, कमिश्नर खुद भी मॉनिटर करें भाई। अब ये मैं जनवरी में योजनाएं शुरू करने आऊंगा,
मुझे किसान के खेतों में पानी देना है। आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं करूंगा शुरू। आप तारीख इनके साथ आप घबरा के मत बताओ, शांति से बताओ कि 30 जनवरी 31 जनवरी जो भी हो आखिरी में ही बताओगे तो मैं तैयार, लेकिन बैठ के काम करवाओ पूरा और हर हफ्ते रिपोर्ट करो आप मुझे, ठीक है? अब बाकी सब मैं देख लूंगा चिंता। देखो बहनों और भाइयों, जनता की सरकार और जनता का पैसा, काम बेहतर होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। मैं भी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, तुम भी मॉनिटरिंग करो, मामा का भी साथ दो, बोलो तो सब दोगे तो आइए हम मिलकर संकल्प करते हैं। संकल्प में मेरे अधिकारी कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे कि हम मिलकर अपने जिले के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, अपने जिले को आगे बढ़ाएंगे। उठाओ दोनों हाथ, खड़े होके आप अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। जिले को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे, उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हर हर नर्मदे। जो अच्छे काम है उसके लिए जिले को मैं फिर बधाई देता हूं। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अभी कई जगह के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे मुझे संवाद भी करना है और यहाँ कुछ प्रतीकात्मक रूप से हमको योजनाओं का लाभ बांटना, वो जल्दी करवा लें। मैं यहाँ पर आत्मीय धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को। अवसर है आजादी के अमृत महोत्सव पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में गौरव दिवस आयोजित किए जा रहे हैं। हर्ष और गौरव का विषय है, आदिवासी बहुल्य खरगोन जिले का गौरव दिवस 14 जनवरी से प्रारंभ होना है। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती छाया जोशी जी से मेरा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रण पत्र प्रदान करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, तुरंत आए। सामाजिक समरसता का एक अनूठा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की गौरव यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें सामाजिक समरसता को ऊपर उठाया जा रहा है। 14 जनवरी को खरगोन के लिए आमंत्रण, मैं निवेदन करूंगा। इसके पश्चात हितलाभ वितरण के लिए सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम हितग्राही का नाम सीमा पाटीदार, खरगोन विभाग का नाम उद्योग विभाग, मुख्यमंत्री उद्यम के अंतरी योजना 2,55,000 रुपए स्वीकृति पत्र ने प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा, आप सब भी हितग्राही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य है। द्वितीय जनपद खरगोन कमला जगदीश ऊन बुजुर्ग खाद्य विभाग, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उज्ज्वला कनेक्शन स्वीकृति पत्र सीमा पाटीदार के पश्चात कमला जगदीश उज्ज्वला कनेक्शन, इन्हें उज्ज्वला कनेक्शन के अतिरिक्त संबल पात्रता पर्ची और आयुष्मान कार्ड का भी लाभ दिया जा चुका है। कमला जगदीश, इसके पश्चात सुनीता मालवी, श्वेता सेन देवनगर रायबिड़पुरा धूलकोट एनआरएलएम के अंतर्गत बैंक सखी समूहों का संगठन है, इन्हें 4,24,00,000 रुपए एवं 3,87,00,000 रुपए के चेक एवं इन्हें संबल पात्रता पर्ची और आयुष्मान के कार्ड के भी यहां पर हितग्राही लाभ दिया जा रहा है। एक बार आप सभी से जोरदार तालियों की अपेक्षा है, ये मध्य प्रदेश की सरकार है जो समूह के माध्यम से महिलाओं को लाभान्वित कर रही है। श्रीमती गायत्री बाई महेश भसनेर, श्रम विभाग, भवन सम निर्माण एवं कर्मकार मंडल
दो लाख रुपए के स्वीकृति पत्र, पात्रता पर्ची, पेंशन, शौचालय, आयुष्मान कार्ड भी इन्हें अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है। नगर पालिका खरगोन, शोहेब खान खरगोन नगरी प्रशासन, पीएम स्वनिधि 50,000 रुपए की राशि स्वीकृति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। यह सौभाग्य और हर्ष का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों के मध्य हैं। बड़वानी साकड़ राम कौर, पति अमर सिंह मांगीलाल, बड़वानी साकड़ श्रम विभाग, अनुग्रह सहायता राशि, स्वीकृति पत्र, संबल योजना, आपकी तालियों की अपेक्षा है। यह हितग्राही लाभ का वितरण है, जिससे मध्य अपने अपने कार्ड आप ऊपर कर लें। हितग्राही जिन्हें लाभ मिला है वे अपने कार्डों को अपने हाथ में ऊपर कर लें। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है, अपने हितग्राही लाभ जो आपको दिए गए हैं उसे ऊपर आप दिखाएं। खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, खड़े होकर आप अपने कार्ड को दिखाएं। यह जिला प्रशासन के द्वारा निरंतर जनसेवा के कार्यों को किया गया है। राम कौर, पति अमर सिंह, बड़वानी साकड़ श्रम विभाग, अनुग्रह सहायता राशि, रमेश नरसिया बुरहानपुर, स्वच्छ भारत मिशन, स्वीकृति पत्र। अब ये हो गया, वो जुड़े हैं क्या बाकी जिलों के लोग संवाद के लिए? मैं दिनेश भांबोर, इंदौर के बाबूलाल, इंदौर नगरी प्रशासन, पीएम स्वनिधि 50,000 रुपए की राशि, बबलू इंदौर। बबलू इंदौर से जुड़े हैं क्या? एक मिनट, बाकी जगह भी मैं बात कर लूं। इंदौर बबलू, यस बबलू, हाँ इंदौर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे संवाद करेंगे। क्या हाल है बबलू, आवाज आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर नमस्कार, माननीय मुख्यमंत्री जी। हाँ, इंदौर से बबलू जी नहीं है, नवग्रह की नगरी खरगोन में आप उपस्थित हैं और इस वक्त मैं देवी अहिल्या की नगरी इंदौर से हूँ। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इंदौर स्वच्छता में देश में तो नंबर वन है, साथ ही हमारे स्वनिधि योजना के अंतर्गत भी नंबर वन है। तो ऐसे ही हितग्राही हमारे बीच में है, आइए हम उनसे आपका सीधे संवाद करवाते हैं। आपका नाम बताइए बहन जी। हेलो, मैं अरुणा मोरे बोल रही हूँ सर, आपको चरण स्पर्श और नमस्कार है मेरी ओर से। अच्छा, कौन सी योजना का लाभ मिला है आपको? मैं स्वनिधि योजना से बोल रही हूँ। काय का मिला है? स्वनिधि योजना जो सब्जी का ठेला लगता है। लाभ लेने में कोई परेशानी तो नहीं आई? जी नहीं सर, बिल्कुल परेशानी नहीं आई। कोई ने पैसा ऐसा तो नहीं मांगे? नहीं सर। चलो आपको बहुत बहुत बधाई पंचम की। थैंक यू सर, आप सब बहने, धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बधाई आप सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बुरहानपुर से संवाद करेंगे। क्या बोल रही हो आप? सर मैं आपसे बात करना चाहती थी, मेरी हार्दिक तमन्ना थी जो आज पूरी हो गई हमारे नंदू भैया और हमारे मेहन धाड़िया की जरिए। क्या मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं आपसे बात करूं, मेरी हर योजना का मैं फायदा उठाऊंगा। तो आप यहाँ चाय भी पीऊंगा अगली बार आके, ठीक है? अगला नाम बोलो भाई। बुरहानपुर, बुरहानपुर जिले के हितग्राही से माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवाद करेंगे। बुरहानपुर से कौन जुड़े हैं? माधुरी पटेल जी तो दिख रही मुझे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सुल्तान खान। कौन सी योजना का लाभ मिला है आपको? मुझे राशन कार्ड मिला है। अच्छा, अच्छा आसानी से मिल गया। आपने आवेदन कहाँ, शिविर में दिया था क्या? हाँ शिविर में दिया था, जो तो अब राशन कार्ड बनाने के कोई ने पैसे तो नहीं लिए? नहीं नहीं सर, किसी ने। बिना परेशानी के मिल गया? बिना परेशानी के सर। तो चलो आपको बहुत बहुत बधाई, अब आपको अनाज मिलेगा, आप सुखी रहें, खुश रहें, शुभकामनाएं। अगला नाम एक और बोलो। हेलो, अलीराजपुर, अलीराजपुर, ठीक है। बाकी सभी जिलों को इंदौर संभाग के